वेलकम बैक है दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल देहरादून बिग मार्केट में। दोस्तों मैं भी इस टाइम पर राजपुर रोड में हूं और सामने जो आप चौक देख रहे हैं ये है आपका कमल चौक, और इस चौक से थोड़ा आगे चल जाएंगे तो उधर आपका पैसिफिक चलेगी, आपका राजपुर रोड मसूरी, और ये जो रोड है ये आपकी कैनाल रोड चले गई, और बाकी इधर चले जाएंगे तो आपका घंटाघर चला गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया था इस चौक को बोलते हैं कमल चौक, और कमल चौक के ठीक सामने हमारी कमल नर्सरी है। तो आज हम कमल नर्सरी का ही वीडियो बनाने वाले हैं, और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी ये आपका फ्रंट व्यू हो गया कमल नर्सरी का, काफ़ी सारे पौधे वगैरह यहाँ पे लगा रखे हैं, कुछ बॉन्साई वगैरह हो गए। कमल नर्सरी की मैं बात करूँ तो कमल नर्सरी काफ़ी बड़ी है और यहाँ पर आपको काफ़ी टाइप के आपके पौधे वगैरह यहाँ पर आपको ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे कि आप देखें तो भाई इधर से आपको चारों तरफ पौधे ही पौधे देखने को मिलेंगे। तो आपका ये शायद बॉन्साई हो गया, डिटेल में हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये भी आपका देख सकते हैं, आपका बॉन्साई वगैरह हो गया। और यहाँ से अगर मैं नीचे देखूँ तो नीचे भी देख सकते हैं आप, पूरी यहाँ से नीचे तक आपकी कमल नर्सरी हो गई। और दोस्तों कमल नर्सरी आपकी टेराकोटा में भी डील करती है, तो इनके मैं आपके टेराकोटा वाले सेक्शन में लेकर चलता हूँ। वहाँ पर कुछ टेराकोटा की मूर्तियाँ वगैरह है, और अगर आप टेराकोटा पसंद करते हो तो आप नर्सरी कमल नर्सरी में ज़रूर विजिट कर सकते हैं। इधर आपका एंटर हो गया, राइट हैंड साइड पे आपका मेन गेट है, ये आपका पार्किंग का एंटर हो गया। यहाँ से आप सीधा आगे जाएंगे तो आपकी बैक साइड में नर्सरी की काफ़ी बड़ी पार्किंग है। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था टेराकोटा की, तो ये छोटा सा आपका हाउस है, यहाँ पर उन्होंने टेराकोटा की कुछ मूर्ति वगैरह रखी हुई है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाता हूँ, तो ये देख सकते हैं भाई काफ़ी सारी चीज़ें हैं टेराकोटा में बनी हुई। बुद्धा की मूर्ति देख सकते हैं भाई, कुछ डेकोरेटिव आइटम नीचे यहाँ पे रखे हुए हैं। ये आपका शायद ये लकड़ी हो गई आपकी, ये सारी की सारी आपकी डेकोरेशन के लिए है, इनमें आप अपने गमले वगैरह लगा सकते हो। ये आपकी बुद्धा की मूर्तियाँ हो गई, ये कुछ पॉट्स वगैरह हो गए। थोड़ा सा आगे बढ़े हैं तो ये देख सकते हैं भाई आप, ये भी शायद आपका पॉट वगैरह हो गया, एक्वेटिक प्लांट वगैरह लगाने के लिए। ये बुद्धा वाली पोज में आपकी मूर्ति हो गई, अंदर भी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये देख सकते हो भाई डेकोरेटिव स्टैंड हो गया, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और ये शायद टेराकोटा का ही बना हुआ है। तो कमल नर्सरी की मुझे काफ़ी चीज़ सही लगी कि भाई पौधों की वैरायटीज़ काफ़ी सारी है, खास करके बॉन्साई जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, और बॉन्साई जो है लगता भी बहुत अच्छा है, तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है उसको एज अ डेकोरेशन। तो मैं भी इस टाइम पर कमल नर्सरी के बगीचे में हूँ, इधर इनका पूरा बगीचा हो गया। ये देख सकते हो भाई कितना छोटा ये पौधा है आम का, और इसमें आपके ये देख सकते हो भाई यहाँ पे आम लगे हुए हैं। तो ये आपके सारे के सारे बॉन्साई हो गए, ये देख सकते हो भाई बॉन्साई की तो काफ़ी सारी वैरायटीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आम के पेड़ हैं जो कि यहाँ पर इतने छोटे छोटे गमलों में लगा रखे हैं, ये आप आम का पेड़ देख सकते हैं, और आम को जो है वो पन्नी में लपेटा है, शायद ख़राब ना हो जाए इसीलिए। तो थोड़ा सा अगर मैं आपको लेकर चलूं तो इतने सारे पौधे हैं कि इनके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। तो अभी मैं आपको सीधा मैम के पास लेकर चलता हूं जो यहां की मैनेजर हैं, तो सारी वीडियो हम आप लोगों को कवर करवाएंगे। तो ये काफ़ी यूनिक चीज़ है, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। तो दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों हमारे साथ है शिवानी मैम जो कि कमल नर्सरी की मैनेजर है। हेलो शिवानी मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। मैम आजकल ना नर्सरी के बारे में लोगों को पता नहीं होता भाई, क्योंकि पौधों की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं चाहूंगा कि जो भी आप दिखाएं थोड़ा डिटेल में हम लोग इस वीडियो में जाएं, ताकि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं ना उनको थोड़ा नर्सरी के बारे में पता चल जाए। थोड़ा प्राइसिंग का भी थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप ध्यान रखें, ताकि मेरा व्यूवर आपके पास आए मैम, है ना। तो मैम शुरुआत ना बॉन्साई से मैं करना चाहूंगा। अच्छा, आप आ जाइए, आगे आ जाइए मैम। ये हमारे पास इमली का बॉन्साई है। अच्छा, इमली का बॉन्साई हो गया ये? हाँ जी, ये 15+ है इसकी एज। 15+? जी सर। तो और ये हमारा ये पुराना प्लांट है, इसलिए इसकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है। ज्यादा हो गई। हाँ जी। तो वैसे अगर इमली के बॉन्साई की बात करो तो उसका प्राइस कितने तक का रहता है, अगर हमको छोटा पौधा लेना है तो? छोटा तो 100-150 तक। अच्छा, 100-150 का मिल जाता है, तो इसमें इमली वगैरह लगती होगी? हाँ जी लगती है। ओके, तो और कौन से बॉन्साई हैं आपके पास? और हमारे पास फाइकस के इधर टाइप से मिल जाएंगे, ये फाइकस का बॉन्साई है। फाइकस, ओके। तो मैम इनके प्राइस क्या रहने वाले हैं?
ये हमारा 12,000 का है। अच्छा, 12,000 का ही रहने वाला है जी। ओके। सर ये 3,000 का है। ये 3,000 का हो गया जी। तो जो बॉन्ज़ाई आप दिखा रहे हैं, इनकी लाइफ क्या रहती है? ये तो परमानेंट चलते हैं। अच्छा, परमानेंट चलते हैं ये। तो बॉन्ज़ाई ना सबसे सस्ते कितने से स्टार्ट हो जाते हैं? और वो आपके पास है तो मैं चाहूंगा कि आप दिखाएं उनको। 1,000 रुपए से स्टार्ट। 1,000 से स्टार्ट हो जाते हैं। और कितने महंगे आपके बॉन्ज़ाई चले जाते हैं? ये तो सर 25-30। अच्छा, 25-30 चले जाते हैं आपके। जो 1,000 वाले हैं वो कौन से हैं? ये है 1,000 रुपए। अच्छा, ये 1,000 वाले हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल के थ्रू अगर कोई आता है तो थोड़ा सा डिस्काउंट लगाएंगे ना दोस्तों? अच्छा, तो दोस्तों इसी बात में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल के थ्रू आते हो तो ये 1,000 रुपए के पौधे आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट लगने वाले हैं। बाकी अगर आपका थोड़ा बजट अच्छा है तो यहाँ पे आप देखते 25-30 हज़ार तक के बॉन्ज़ाई भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ये वाला हमारे पास 25,000 का है। ओके, अच्छा ये आपका 25,000 का हो गया। ठीक है सर, ये पिक्टोस्पोरम है, इंडोर प्लांट है और देखने में बहुत सुंदर आया। ये प्राइस का रहने वाला है मैम? ये 500 का है और इसमें कम रेंज में भी मिल जाएगा आपको, 300-350 इस रेंज में भी मिल जाएगा आपको। और आगे आएंगे, ये अरेलिया है, ग्रीन प्लांट रहता है, शेडेड प्लांट है, ये देखने में बहुत सुंदर है। ये इनका क्या प्राइस रहने वाला है? ये 250 का है। 250 का जी। और ये इंडोर प्लांट में आते हैं, पीस लीली है ये। अच्छा, इंडोर हो गई। व्हाइट कलर के फूल आते हैं, व्हाइट कलर के, इंडोर रख सकते हैं, पानी वगैरह कम, और 300 के रेंज में मिल जाएंगे और डिस्काउंट भी अच्छा दे देते हैं हम लोग जी मैम। ताकि तो मैम आपके पास आए हैं ताकि मेरे व्यूअर को बहुत अच्छा डिस्काउंट आप लगा सके। बिल्कुल सर। और आगे आएंगे, ये एग्लोनिमा प्लांट है, इंडोर प्लांट है, 600 का इसकी, इसमें कम रेंज में भी है, जैसे 300-450 रेंज में है। ये सिंगोनियम है, हमारे पास स्टैंड वगैरह भी अवेलेबल है। स्टैंड का क्या प्राइस रहते हैं? ये 3,000 का है। अच्छा, 3,000 का रहता है। ठीक है, ये कौन सा पौधा है मैम? ये भी बॉन्ज़ाई है, फाइकस बॉन्ज़ाई है। ये 15,000 रुपए का है। 15,000 का है। हाँ जी, ये वाला बॉन्ज़ाई हमारे पास 17,000 का है। 17,000 का जी। ओके, ये हो जाएंगे। और हमारे पास बुद्धा जी भी मिल जाएंगे। अच्छा, जैसे टेराकोटा की बात की थी तो बुद्धा जी की क्या प्राइस है मूर्ति का? ये 35,000 के फाइबर में है ये। अच्छा, फाइबर में है ये और 35,000 इसका प्राइस है। हाँ जी, इसमें छोटे मिलेंगे टेराकोटा में, जैसे ये है, ये टेराकोटा में मिल जाएंगे। ये टेराकोटा में 4,000 की रेंज में मिल जाएंगे। 4,000 की रेंज में है, कम में भी मिल जाएंगे ये। अच्छा, छोटे साइज हो गए। इनके क्या प्राइस है? 600 की रेंज में। 600 की रेंज में। तो मैंने छोटे छोटे पौधे आपने लगा रखे हैं, क्या कैक्टस हैं? नहीं नहीं, कैक्टस नहीं, सैकुलेंट्स हैं ये। अच्छा, इंडोर प्लांट होते हैं, इसमें पानी कम दिया जाता है। तो इनका प्राइस क्या रहने वाला है? प्राइस 180। बाकी डिस्काउंट तब लगाई देंगे। बिल्कुल सर। तो ये कैक्टस होगा आपका, इसमें फ्लावर आते हैं, ये पिंक कलर के, स्टेम बंद हो गए, दिन में खिल जाते हैं पूरे। अच्छा, ये दिन में खिल जाते हैं। तो उनका साइज छोटा ही रहता है कि मतलब बड़ा भी होगा? बड़ा होता है लेकिन स्लो ग्रोथ होती है, इसलिए स्लो ग्रोथ रहती है। तो इंडोर के लिए रहेगा? हाँ जी, पानी तो बहुत कम ही चाहिए होता है। पानी मतलब महीने में एक बार थोड़ा दे दिया? हाँ, महीने में तो नहीं लेकिन हफ्ते में। ठीक ठीक, थोड़ा सा मैम इधर आके मुझे को दिखाएं थोड़ा सा, ये आपने जो लटका रखे हैं इनके बारे में बताएं। ये मनी प्लांट है। ये मनी प्लांट हो गया, व्हाइट वाला, हैंगिंग में लगा सकते हैं जी। मनी प्लांट की भी 2-3 वैरायटी मिल जाएगी हमारे पास। तो इसका क्या प्राइस है? ये 450 का है, इसका छोटा लेंगे तो 200-150 में मिल जाएगा। ठीक है, और सामने प्लांट है ये, इसका क्या प्राइस है मैम? ये 300 का है, इंडोर प्लांट है ये। ठीक है, जो आगे लगा रखा मैम? ये कोरमा है, कोरमा 250 की रेंज है। 250 का जो आगे लगा रखा है आपने? ये पाम है, चिमड़िया पाम है ये। चिमड़िया पाम, ठीक है। इनका क्या प्राइस है? वो 250 का है। 250 का, ठीक है। इनका बताया मैम मेरे को? ये रबड़ प्लांट है, रबड़ प्लांट, ब्लैक रबड़ प्लांट है, ये 150 की रेंज में है। 150 का। सिंगोनिया में 150 का। ठीक ठीक। आगे ड्रेसिना है 150 की। लक्की बैम्बो है, घर में लगाना अच्छा होता है इसे। लकी बैम्बो, हाँ जी, लकी होता है ये, इसे घर में लगाना बहुत अच्छा। क्या प्राइस है इसका? 130 का है। 130 का है। प्रोटोन्स मिल जाएंगे, अलग अलग वैरायटी है, कलर अलग अलग है, ये 150 की रेंज में मिल जाएंगे आपको। रेंज में। आगे थोड़ा ये पीछे क्या है, ये चीज बताएं मेरे को। ये पान है, खाने वाला। अच्छा, खाने वाला पान, कलकत्ता वाले पान है। अच्छा, इनका प्राइस क्या है? 550 है। मतलब जैसे पत्ते लगे हुए हैं, इसको मतलब तोड़ा और हाँ अपना चबाना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल सर। ओके ओके, क्या प्राइस बताया आपने? 550। तो जो पान बता रहे हैं आप, इसको इंडोर में लगाने हैं, आउटडोर में लगाने? आउटडोर लगाने हैं सर। आउटडोर लगाने, पानी देने का सिस्टम क्या रहता है? पानी इसका? अभी तो गर्मी है तो रेगुलर चाहिए। गर्मियों में रेगुलर, जैसे नॉर्मल प्लांट्स का होता है। थोड़ा सा आगे आए, इनके बारे में बताया मेरे को। फिलोडेंड्रोन है, 150 की रेंज में। 150 की रेंज। आगे स्नो व्हाइट है, ये 500 का इंडोर प्लांट है। इंडोर हो गया ये? हाँ जी। ठीक है, ये सब आपके इंडोर हो गए जी सर।
इधर ये पीस लीली आ जाएगा, पीस लीली 250 का है, 250। एक में पौधा होता है रात की रानी जिसको बोला जाता है, हाँ वो भी मिल जाएगा मेरे पास। तो उसके उसकी खासियत क्या है रात की रानी का? वो रात में स्मेल देता है। अच्छा, थोड़ा खुशबू देता है वो। जी, जी। तो ऐसे कौन से पौधे हैं आपके पास जो रात को खुशबू देते हैं? रात में तो रात की रानी मिलेगी और फिर दिन के मिलेंगे। एक उसमें दिन का राजा होता है जो दिन में खुशबू देता है, वो रहता है आपके पास। तो दिन का राजा का प्राइस क्या है? 200 है। 200। और रात की रानी का? 150। ठीक है, और बताएं। और हमारे पास ये पाम मिल जाएंगे, सब इंडोर में आते हैं। ठीक ठीक। कुछ ऐसे हमारे पास पॉट्स तैयार करे हुए प्लांट्स। पॉट्स के क्या प्राइस रहते हैं मैम? इसमें ये 350 का पॉट है और 350 का प्लांट है। ओके ओके, मतलब 700 का ही हो गया, बाकी डिस्काउंट आप लगा ही देंगे। बिल्कुल सर। ठीक है, और इस पौधे ये पौधा कौन सा है? ये नीम है। नीम है, नीम। ठीक ठीक। इधर ये रैपिस पाम मिल जाएगा आपको, इंडोर का पाम है ये। प्राइस का रहने वाला है 700 का है, जैसे कम रेंज में भी मिल जाएगा इसमें। ओके। ये तेज पत्ता है, इसे हम खाने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, 150 का प्राइस है। 150 का, ये तो आउटडोर रहते हैं। आउटडोर रहते हैं। 150 का इसका प्राइस है। जी जी। ठीक है। और ये ऑल स्पाइस है, इसमें सारे मसाले होते हैं। आप इसे छोले, राजमा, पुलाव, मतलब इस पत्ते को सुखाया? सुखाया नहीं, इसको डायरेक्ट डाल सकते हैं। तेज पत्ता को सुखा के डालते हैं। हरे में ही डाल दिया? हरे में ही तोड़ के डाल सकते हैं। तो फ्लेवर आता है, मतलब उसका, मतलब किसी भी सब्जी में, सूखी सब्जी, तरी वाली सब्जी में, अपना चाय में भी यूज करते हैं इसे। चाय में भी यूज करते हैं। तो उसका क्या प्राइस है? इसका 200 है। 200 है इसका। बोलते क्या है इसको? ऑल स्पाइस। ऑल स्पाइस, ठीक है। और बताएं मेरे को, ये स्टीविया, ये शुगर के काम आता है। अच्छा, इसको कैसे यूज करना है? इसके पत्ते यूज करते हैं, चाय वगैरह में डाल लो, मीठे हो जाते हैं इसके ना। अच्छा, चाय मीठी हो जाती है, खाते हैं शुगर तो मेंटेन रहेगा, मतलब शुगर लेवल। अच्छा, एज अ मेडिसिन भी, मतलब बहुत अच्छा है ये। प्राइस क्या बताया आपने इसका? 120। 130 का है। और ये इंसुलिन है, इससे शुगर खत्म होता है। ओके, जैसे मेरे फादर को प्रॉब्लम है और आपको पता है कि शुगर में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, तो हेल्प करेगा, मतलब बनने बिल्कुल में। हाँ जी। आप इसका, तो इसको यूज कैसे करना है? एक पत्ता खाली पेट खा लो, चबा के, और पानी पी लो। अच्छा। हाँ। और जैसे किसी को शुगर नहीं है, जैसे मैं हूँ, मैं फिट हूँ, तो मैं यूज करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं? नहीं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सही रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब इसको अगर यूज करना है तो खाली पत्ता खाना है? हाँ जी, खाली पेट, किसी मिक्स करके नहीं, खाली, मतलब ग्रीन में ही, मतलब सुखाने की जरूरत नहीं है। और बताया मैम, काली मिर्च है। ये काली मिर्च हो गई, और काली मिर्च के दोस्तों आप लोगों को तो फायदे पता ही होंगे जी। और प्राइस क्या बताया आपने काली मिर्च का? 200। इनका सीजन क्या होता है काली मिर्च के लगने का? ये तो अब लगेंगे सर्दियों के टाइम पे। सर्दियों में लगते हैं। ठीक है। और इनके बाद ये शमी का पौधा है, ये पूजा के काम आता है, शनिवार को इनकी पूजा होती है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। आगे तुलसी जी है, तो सबको पता ही है इनके बारे में। आगे आगे क्या है? आगे दालचीनी है। अच्छा। हाँ जी, इसमें रुद्राक्ष हो गया। हाँ जी, इसमें रुद्राक्ष भी लगने शुरू हो गए आगे। ओके, तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊं तो इनमें जो है ये रुद्राक्ष लगने स्टार्ट हो गए हैं। तो उनका मौसम ये रहता है रुद्राक्ष लगने का। तो प्राइस है 250, बाकी हमारी शिवानी मैम है जो आप लोगों को बहुत अच्छा डिस्काउंट लगा देगी। ये हींग का पौधा हो गया। ठीक है, और बताए मैम मेरे को। और ये आ जाएगा कड़ी पत्ता है। अच्छा, कड़ी पत्ता हो गया। हाँ जी, ये सब आपके हर्बल प्लांट में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इधर क्या है मैम? ये आड़ू का पेड़ है। अच्छा, आड़ू का पेड़ हो गया। आड़ू का पेड़ का प्राइस क्या है? 150। और इधर आपका ये मचेरा है, शेडेड प्लांट है, देखने में बहुत सुंदर है ये। और प्राइस क्या रहता है इसका? 600 है। इसमें छोटा आपको 350 का मिल जाएगा। छोटा मतलब हाइट कम? अच्छा, हाइट कम नहीं, एज भी कम। अच्छा, एज भी कम, एज भी कम आएगी इसकी ना, उसके हिसाब से। और इधर आपका बॉन्साई हो गया है ना? तो ये वही बॉन्साई जिसके बारे में लोग बात कर चुके हैं। जी जी। ठीक है, ये भी आपका बॉन्साई हो गया। ये क्या चीज है मैम? ये अडेशिया है, इसमें छोटे छोटे फ्रूट लगते हैं। ये जितने हो रहे सब फ्रूट लगेंगे, पर ईटेबल नहीं होते। अच्छा, ये सिर्फ डेकोरेशन के काम आते हैं। ओके, पहले ग्रीन होते हैं फिर ये रेड इंडोर होते हैं। है? नहीं नहीं, शेड वाला प्लांट। अच्छा, है, शेड वाला। देखने में बहुत सुंदर लगता है जब ये पूरे लग जाते हैं। अभी तो शुरू ही हुए हैं लगने। और ये क्या चीज है? ये पान है। अच्छा, पान जैसा आपने बताया था। तो ये पान में क्यों लगाया जाता है? ये बेल बनती है ना, तो बेल हमारे पास तो है नहीं अभी चढ़ाने का, तो ये इसी में लपेट के। अच्छा अच्छा, मतलब घर में तो हम कोई भी टहनी लगा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो कितना फैल जाती है, मतलब पानी? बेल बनती है तो फैलती है काफी। ठीक है। हाँ, थोड़ा और बताइए, पेड़ काफी लंबे लग रहे हैं मेरे को, उनके बारे में बताएं। ये मचेरे का ही बड़ा प्लांट। अच्छा, होता मचेरे है। का ही है। ये कितना बड़ा हो जाता है मैम? ये हो जाता है 8-9 फीट का ऐसे। अच्छा, मतलब 8-9 फीट तक ही रहता है ना? हाँ जी, मतलब इसको पेड़ नहीं बनता, जिसे पेड़ कहते हैं, पेड़ नहीं बनता। 8-9 फीट। हाँ, मतलब इस प्लांट है। और आउटडोर हो गया ये जी। आउटडोर मतलब बड़े गमले में इसको आराम से लगा सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि लोग डरते हैं ना कि हमने पेड़ लगाया तो उसके जो जड़े हैं वो घर को थोड़ा। नहीं नहीं नहीं, पॉट में लगा सकते हैं। अच्छा, पॉट में लगा सकते हैं। प्राइस क्या बताया आपने इसका? ये 1100 का। इसका छोटा साइज लेना चाहे तो 350। और कितने टाइम में ये मतलब 10 फुट का हो जाएगा?
टाइम तो लगेगा, 5 साल, 2-3 साल। हाँ, दो तीन, अच्छा 2-3 साल के अंदर हो जाएगा, ठीक है। इसके पीछे भी कुछ पौधे हैं मैम, ये भी आपके बॉन्साई हो गए? ये सब बॉन्साई बने हुए। अच्छा, तो बॉन्साई आपने बताया था जैसे कि 1000 रुपए में आपके पास स्टार्ट हो जाते हैं और 25,000 तक चले जाते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा अनबिलीवेबल है मेरे लिए भी, क्योंकि कमल नर्सरी में काफ़ी अच्छे अच्छे पौधे, इनके बारे में तो मैंने सुना भी नहीं था। जैसे कि मैम ने एक सेक्शन दिखाया था जहाँ पर आपके सारे के सारे हर्बल पौधे, मतलब आपको इंसुलिन के लिए मिल जाएगा, काली मिर्च के लिए मिल जाएगा, इतने सारे पौधे हैं कि मतलब आप उसको अपने घर पर लगाएंगे, उसको यूज़ करेंगे तो यार डेकोरेशन भी हो जाएगी और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। बाकी बॉन्साई देख सकते हैं भाई, बॉन्साई की काफ़ी सारी वैरायटीज है, साथ ही साथ टेराकोटा में भी डील करते हैं, लास्ट में दिखाएंगे हम आप लोगों को टेराकोटा। हाँ जी मैम, आड़ू का प्लांट है इसमें, आप देख सकते हैं आड़ू भी लगने स्टार्ट हो गए। तो आड़ू के पेड़ का क्या प्राइस है? ये 8,000 का है, इसमें थोड़ा सा छोटा लेंगे तो ये 2,000 रुपए का है। अच्छा मैम, बॉन्साई भी तो होते होंगे ना आड़ू ये सब चीजें? नहीं, ये तो बॉन्साई नहीं है, प्लांट है ये। अच्छा, ये तो बड़ा हो जाएगा। हाँ जी, बड़ा हो जाएगा इसका। ये छोटा है, ये 2,000 का है, और ऊपर मैंने दिखाया 150 की रेंज में। 150 का पीछे डेकोरेटिव दिख रहे हैं मेरे को। हाँ जी, ये भी फाइकस के हैं। अच्छा, फाइकस हो गए। अच्छा, इनको इस तरह से कट करना होता है? हाँ जी, ठीक है मैम। इधर हमारे पास स्टैंडर्ड रोज मिल जाएंगे। स्टैंडर्ड रोज हो गया आपका, इनका क्या प्राइस है? 550। और जैसे ये हमारे पास चीकू के फ्रूट के हमारे पास अधिकतर सभी मिल जाएंगे। मैम जैसे मैंने काफी लोगों के यहाँ पे ना चीकू के पौधे देखे हैं जी, तो इतने बड़े तो हो जाते हैं, खाने लायक हो जाते हैं वो? हाँ बिल्कुल सर, पकेंगे तब खाने लायक। अच्छा, देखने अच्छा। में तो सख्त होते हैं, जब वो सॉफ्ट हो जाएंगे, पक जाएंगे तब खा सकते हैं। उनका पकने का सीजन क्या रहता है आड़ू का? ये तो सर जैसे आप लगने शुरू हो गए तो 2-3 महीने में पक। क्योंकि मेरे आस पड़ोस में काफी सारे लोग हैं जिनके मतलब पौधे में काफी आड़ू, वो क्या है, चीकू आ चुके हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इनके ये बताया मुझे पौधा जो ये पेड़ है, ये वो है सिल्वर ओक है। ठीक, और आगे ये अमरूद है, आगे आपको अमरूद। अच्छा, का मिल जाएगा। का हो गया, अमरूद भी लगने शुरू हो रखे, आगे दिखाती हूँ मैं आपको। आज अमरूद का पेड़ का क्या प्राइस है? ये 150 से स्टार्ट है। 150 से, ये देखिए इसमें अमरूद भी आ रहे हैं। मैम काफी सारे लोग ने शिकायत रहती है, जैसे हम लोग अमरूद का पेड़ लगाते हैं तो उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो उसका कीड़े के लिए तो दवाई आती है, वो हम रखते नहीं है, मार्केट से मिल जाती है। अच्छा अच्छा जी, तो ये कुछ किस्म के अमरूद के पेड़ के साथ होता है या किसी के भी साथ होता है? नहीं नहीं, कहीं भी लग सकते हैं कीड़े, कीड़े कहीं भी लग सकते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं ना कि मतलब किसी ने गलत ही पेड़ दे दिया, ऐसा नहीं होता है? ऐसा नहीं होता है। तो उसमें जो कीड़े लगने की दवाई होती है वो मार्केट में इजीली मिल जाती है। ठीक है, तो ये व्हाइट वाला है कि रेड वाला अमरूद का पेड़ है? व्हाइट वाला है ये व्हाइट वाला। प्राइस क्या बताया आपने? 150। और आपके पास रेड वाला मिल जाता है? रेड भी मिल जाएगा। उसका क्या प्राइस रहता है? वो भी वही 150-200। अच्छा, 150-200 की रहता है। जैसे कुछ अमरूद होते हैं ना कि छोटे से रहते हैं, कुछ होते इतने बड़े, वो सब अलग अलग वैरायटी होती है, छोटे भी होते हैं और जो बड़े होते हैं। जैसे वो चाहिए बिल्कुल बड़ा साइज का जो अमरूद होता है ना, वो अलग चाहिए, लेकिन मीठा भी होना चाहिए। वो है आपके पास अमरूद बोलते हैं? अच्छा, वो उसका क्या प्राइस है? वही 200। और उसका साइज क्या रहता है? एक नॉर्मल जो हैं, जो बड़े बड़े आते हैं वो। अच्छा, उनके थोड़ा छोटे साइज रहते हैं वो। अच्छा, और आपको नाशपाती का दिखाती हूँ, नाशपाती भी लग रही है हमारे पास, आम भी लग रहे हैं। नाशपाती की तो टहनी मैम थोड़ा पतली रहती है ना। हाँ, ये देखो आम भी लग रहे हैं हमारे पास ना, आम का हो गया, अभी से लगने शुरू हो गए। तो दोस्तों देख सकते हैं भाई, इतना छोटा सा ये पेड़ है, मुझे 5-6 फीट का होगा, कुछ तो आपके 4 फीट का ही है, और इसमें आपके आम लगने स्टार्ट हो गए। तो मैम आम के पेड़ का क्या प्राइस है? ये 200 से स्टार्ट है, 200 से स्टार्ट है, 450 तक ऐसे मिल जाएंगे आपको। okay. ना, और छोटे साइज के पेड़ होते हैं उनके क्या प्राइस है? इसी में आ जाते हैं। अच्छा, 350। हाँ जी, ऐसे आ जाते हैं ये सब आपके आम के पेड़? सब आम के हैं। और सीजन तो आम का, ये नींबू का लग रहा है मेरे को, नींबू भी लग रहे हैं आगे। ओके मैम, कुछ 12 मासी भी होते हैं? हाँ जी, ये 12 मासी वाले 12 मासी कागजी नींबू है। अच्छा, मतलब इसमें मतलब पूरे साल नींबू रहते हैं? नींबू रहते हैं। और रस रहेगा इनमें? बढ़िया है सर। पता चला हमने पूरा निचोड़ दिया। नहीं नहीं, बढ़िया नींबू। हाथ में खुशबू आ गई लेकिन रस नहीं आया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया नींबू है, हम अच्छा। खुद अपने घर में लगाए हैं। और प्राइस क्या है मैम इनका? 250 है। 250, ठीक है। और आगे बढ़े तो आगे ये नाशपाती है। अच्छा, ये नाशपाती, ऐसे नाशपाती भी लगने हो गए, ये देखिए। तो ये दोस्तों आपकी नाशपाती लगने स्टार्ट हो गई। आप जब कमल नर्सरी आए तो पौधा खरीदने से पहले कुछ ना कुछ खा के जरूर जाएं। बिल्कुल सर। तो नाशपाती का प्राइस क्या रहेगा? ये 2,000 रुपए की है। 2,000 रुपए का है इसका। आप छोटा लेंगे तो ये 200 तक मिल जाएगा आपको। तो इनकी जो देखा है नाशपाती के जो पेड़ होते हैं, इनकी जो स्टेम होती है तो पतली ही रहती है, मतलब इसलिए लगा सकते हैं। हाँ, ये मतलब की घर को डैमेज नहीं करेगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ। ये लगा सकते हैं। प्राइस बताया आपने? 2,000। ठीक है, और आगे बढ़े तो ये किस चीज के है मैम? आगे ये ग्रीन प्लांट में आ जाएंगे, जो ग्रीन रहते हैं। अच्छा, फूल वाले हैं, जैसे ये टिकोमा है। ये कितने बड़े हो जाते हैं? ये बड़े हो जाते हैं थोड़े। अच्छा,
मैम एक ना मैंने देखा है लोग लो अपने गेट पे लगाते हैं जो ना फैल जाता है, रेड कलर का होता है वो, उसका नाम मुझे नहीं पता, फूल आता है रेड कलर, हाँ वो फूल है, फैलता है वो और बहुत प्यारा लगता है, बहुत तो क्या देखा है? राखी बेल बोलते हैं उसको। अच्छा वो दिखा सकते हैं मेरे को अगर फूल लगे होंगे तो? थोड़ा सा हमारे ऊपर लगे हैं लेकिन शाम को बंद हो जाते हैं, दिन में खिलते हैं वो। अच्छा अच्छा, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े तो आगे बताएं मेरे को। ये सहरा बेल है। सहरा बेल क्या प्राइस है इनका? ये 200 का है और इसको जब इसमें फ्लावर आते हैं ना तो ऐसे लटक के आते हैं जैसे सहरा होता है ना। अच्छा ऐसे कौन से कलर के फ्लावर आते हैं इसमें? रेड पिंक कलर ये आते हैं और बहुत सुंदर लगते मुझे लग रहा है। वही तो नहीं है ये इसकी बात? लटक के आते हैं लंबे। हाँ लटक के मतलब झुका। अच्छा ये वही इसी की बात मैं कर रहा था, इसमें भी आई नहीं। अच्छा जी, इसी की बात कर रहा था मैं। चलिए ये चमेली का। गडेनिया। गडेनिया खुशबू आती है इसमें, ये भी बड़े हो जाते होंगे। रात की रानी मिल जाएगा आपको। रात की रानी यहाँ पे मिल जाएगा, रात का राजा भी दरी होगा। मुझे वो पेड़ मिल गया जिसकी मैं बात कर रहा था, तो ये वो फूल होता है बोगनविला। तो बोगनविला होता है ये पूरा फैल जाता है, जो फैलता है ना बहुत प्यारा लगता है। बारे पता है मुझे ये क्या चीज है? ये बेल होती है, इसमें व्हाइट कलर के छोटे छोटे फूल आते हैं जी। इसको हमने तार से ऐसे बाउल टाइप का बना अच्छा, रखा है, डेकोरेशन के लिए कर रखा है। इसको तार से नहीं लपेटेंगे तो पूरा फैल जाएगा, फैल जाएगा ये। और इसमें व्हाइट कलर के फूल आते हैं, जब पूरे में आ जाते हैं बहुत सुंदर दिखते हैं ये। और इसका क्या प्राइस है? 11,000 का ये। 11,000 इसमें एक ये आ जाएगा, एक कोन शेप में बना रखा है जो आपने आगे लगा रखा है। ये प्राइस सेम रहेगा? हाँ जी, इसे शेप दे रखी है ये। ये बुद्धा जी हैं, टेराकोटा के बने हुए हैं। ओके तो इनका क्या प्राइस है? 4500 है इसका। 4500 उरुलिया है ये। हम इसमें पानी डाल के फूल वगैरह कैंडल वगैरह डाल के डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है, इनका क्या प्राइस रहेगा? इसमें अलग अलग प्राइस आता है, जैसे 360, 250। और अंदर जो मैं देख रहा हूँ ये आपका रिक्शा हो गया। हाँ जी, ये छोटे छोटे स्टैंड टाइप के बने हुए, इसमें छोटे छोटे पॉट लगा सकते हैं। इनका क्या प्राइस है? 450 की रेंज में। 450 का। और इसका पता है मुझे, काफी यूनिक सा भी लग रहा है। ये पेड़ का बना हुआ है जी। इसका क्या प्राइस है? ये तो वैसे सेल के लिए नहीं है। अच्छा। ये हमने सिर्फ डेकोरेशन के लिए रखा है। अच्छा हाँ जी, इसमें आपको तुलसी जी पॉट आ जाएंगे, इसमें आप तुलसी जी लगा सकते हैं, इसमें दिया वगैरह सब कुछ बने होते हैं। और प्राइस क्या है इनका? ये 360 का है, बड़ा लेंगे 450-550 इस रेंज में आ जाएंगे। और ये छोटा वाले बुद्धा? ये 600 की रेंज में है। ठीक है, अलग अलग साइज के आपको बुद्धा जी मिल जाएंगे, डक्स वगैरह मिल जाएंगी। 700 हाँ जी। ठीक है, और ये क्या चीज है? ये आपका हैंग के लिए होगी ना? हाँ जी, ये हैंगिंग प्लांट्स के लिए ऐसे ऊपर हैंग कर सकते हैं। क्या प्राइस है इनका? ये 350 का है। 350, इधर भी आपकी बुद्धा हो गई। इसका मुझे बताएं, इसका जो बड़ा सा पॉट है इसमें भी आप वाटर डाल के और क्या नाम डेकोरेटिव फूल वगैरह आर्टिफिशियल भी डाल सकते हैं। जी जी जी, कैंडल वगैरह डाल के आप उसे डेकोरेट कर सकते हैं घर में। और थोड़ा इन स्टैंड के बारे में बताएं मेरे को। ये वुडन का बना हुआ है। अच्छा ये वुडन का है। अच्छा तो क्या प्राइस रहने वाला है इनका? ये 4500 का है। 4500 टेबल टाइप के बना रखा है, इस पे आप कुछ भी रख सकते हैं, पॉट सकते हैं। थोड़ा सा मतलब रहेगा इतना स्ट्रॉन्ग की मतलब थोड़ा हैवी पॉट रखा जाए तो मतलब? हाँ इतना तो चल जाएगा, उस पे छोटा ही आएगा पॉट, ज्यादा बड़ा भी नहीं आएगा। अच्छा तो ये जो स्मॉल साइज का, इसका क्या प्राइस है? ये 3000 का है। 3000 जी सर। ये कैमल मिल जाएंगे आपको। इनका क्या प्राइस है? ये 7000 का पेयर है। तीनों ना? नहीं नहीं, पेयर कैमल का, कैमल का पेयर और एलिफेंट का पेयर, ये 7,000-7,000 में मिल जाएंगे। एक पेयर आपका वो एक उधर है, व्हाइट भी है इसमें, ब्लैक। पता है मुझे इसका क्या प्राइस है? ये स्लीपिंग बुद्धा जी हैं, 4500 के हैं। 4500 जी। तो आज का वीडियो तो काफी सरप्राइजिंग भी था मेरे लिए, क्योंकि इतने सारे पौधे हैं, इनके बारे में मुझे पता भी नहीं था। थोड़ा डिटेल में हम लोगों ने बात करी है, और जो कमल नर्सरी है काफी बड़ी भी है, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन भी मिल जाता है आपके पास। यहाँ पर कैक्टस की काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं, जैसे कि टेराकोटा में भी डील करते हैं। टेराकोटा में आपने देख लिया होगा भाई कितनी सारी मूर्ति वगैरह हैं। बाकी आप चैनल के थ्रू आते हो तो बहुत अच्छा डिस्काउंट आप लोगों को लग जाएगा। तो यार कभी भी राजपुर रोड आओ तो कमल नर्सरी ज़रूर विज़िट करें। एक बार मैं फिर से लोकेशन बता देता हूँ, ये आपकी कमल चौक हो गई, और उधर चल जाएंगे आपका पैसिफिक मॉल, ये आपका कैनाल रोड हो गई, और ये आपका घंटाघर चला जाता है। तो कमल चौक के ठीक सामने हमारा कमल नर्सरी हो गया। तो यार वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।